आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईबी केमिस्ट्री पढ़ा हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल
आइनिशियल पोटेंशियल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम इतना पोटेंशियल दे दोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। अरे याद है बॉर्डर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस टू चार्ज को एक्सेलरेट कराता है तो काइनेटिक एनर्जी आती है q into v। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम एक्सेलरेट करवाते हैं क्या आता, तुम्हारा जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कितने बच्चों वोल्ट से एक्सेलरेट करवाएंगे, 13.6 आ जाए, 13.6 वोल्ट। अरे ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या आएगा तुम्हारा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चेक कर सकते हो, हो गया। चलिए ये भी देख लेना, बिल्कुल इसका लिख ही लेना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी निकलने के बाद, 0.4 इलेक्ट्रॉन। अरे आगे बात करो, क्या माना था जो लाइट आती है, जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में जाती है और पार्टिकल्स को क्या बोलते हो फोटोन। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है बच्चों, इक्वल टू एस टी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और तुम्हारा ई क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे मुझे देखा था तुम्हारा, तुमको पता होगा बट अगर नहीं पता तो नहीं, ये छोटी सी बात है। कहां से आता है बच्चों, प्लैंक की थ्योरी से आता है। जब मैं तुमको दुबल लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये देखा एनर्जी ऑफ फोटॉन और लगता है इस लेवल पर लाइट, तुमने पढ़ा होगा अगर लैम्डा बच्चों कम से कम है, एनर्जी क्या होगी ज्यादा से
ज्यादा होगी, डेल्टा मैक्स होगा तो एनर्जी क्या होगी गेन होगी, डेल्टा मिन होगा तो एनर्जी क्या होगी मैक्स के पास से जाना है, ठीक है। अदरवाइज अब इसमें भी क्वेश्चंस करा दे रहा हूं काफी सारे, इससे तुम्हारा कैसे क्लियर हो जाएगा। देखो इंटरनाइट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन आयनाइज मीडियम प्लस आयन, इंटरनाइट मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट कैन मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ माइन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन आयनाइज ए हीलियम प्लस आयन। देखो बच्चों हीलियम प्लस क्यों लिखा मैंने, हीलियम क्यों नहीं लिखा, हीलियम मीटर क्यों नहीं लिखा, वन का ऑर्डर वन मीटर, एक इलेक्ट्रॉन बचा उसको भी निकाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, मैं इसको इसके हर एक टॉपिक में क्या करना होगा वो क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। हमारा फोटोन गिरेगा तो एनर्जी क्या होगा, हीलियम प्लस आयन को उतनी एनर्जी क्या होगा अब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो जो एनर्जी फोटोन की गिर रही है वो किस में यूज होगी बच्चों, ये क्या होगी तुम्हारी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। और क्या बोलते हैं हम जनरली कहां पर मानते हैं, कर दिया नहीं तो डाउन स्ट्रीम से मानते हैं, ठीक है। चलो ये क्या हुआ बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर I equal to क्या होगा तुम्हारा SC by lambda, वो देना है तो एनर्जी क्या चाहिए प्लस में चाहिए, सेलेक्ट क्या हो जाएगा जीरो, ग्राउंड स्टेट में तंत्र में क्या हो जाएगी वन, वन का स्क्वायर भी बच्चों क्या हो जाएगा वन, हीलियम प्लस के लिए क्या होगा ये वन का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और HC क्या होगा बच्चों 1240 बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर बाय का हो जाएगा लैम्डा, ये क्या आ जाएगा बच्चों लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर बाय का आ जाएगा ये 40.4 आ जाएगा राइट, ये आया था। अरे थोड़ा सा बोल दिया गलत हो गया, नहीं नैनोमीटर में आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 31 सॉरी क्या कर दिया मैंने गलत में टाइप किया ये दिया था सॉरी ऐसे ही करते हैं वैसे अगर 0.4 को निकल कर दो तो लगभग आ जाए 31 नहीं यार 31 समझ आएगा डिवाइड नहीं कर पा रहे, अरे 30 बस लगभग आएगा ना, वही कह रहा हूँ ठीक है राउंड ऑफ कर लो ये है मेरे मतलब मेरी मैथ सही थी।
इसने क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना, वो क्या रहा है, जो फोटोन गिर रहा है उससे एनर्जी क्या कर रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वो आयनाइज हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पहले सोच, पहले चला से पहले सोच बताओ, वही बच्चा पेन चलाएगा तो बताएगा मुझे कैसे करेंगे। अरे इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, ये इक्वल टू एसी बाई लंबा, ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, क्लास सॉरी एक सॉफ्ट की जगह इमिटेट कर दूंगा। मैंने किया एग्जाम तो बच्चों किसी के लिए नहीं कर सकता है, मान लो बाहर भी निकल गया ब्लॉक करने के बाद कुछ स्टैंडिंग एनर्जी आ जाएगी। एमिशन से क्या हुआ देखो, हुआ क्या कि पहले बच्चों कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, किसी मीन से करेगा, मुझे उससे मतलब नहीं, किसी तरीके से कर रहा है, किसी मीन से करेगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, एब्सॉर्ब करेगा, फिर क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, एनर्जी चला जाएगा, इमिट कब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा। तो बच्चों देखो, अभी वो तुम्हारा एटम के अंदर ही है ना इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के अंदर ही है मतलब उसके उससे बाहर नहीं गया है। तो बच्चों देखो, मान लो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफिनिटी में चला गया, शायद वो तो नहीं जाएगा, तो जब लौटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों, जो इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है क्या, हाँ, तो डेल्टा ही क्या बच्चों तुम्हारा मैक्स, तो जो तुम्हारा डेल्टा ही क्या होगा, इसी के एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन क्या करेगा बच्चों, एमिट करेगा, डेल्टा ही क्या होगा एसी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, अगर डेल्टा ही मैक्स होगा तो लैम्डा क्या होगा बच्चों तुम्हारा, मिन होगा। डेल्टा ही मैक्स कितना आएगा बच्चों, n इक्वल टू 1 पर क्या थी एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू इनफिनिटी पर क्या आ गई थी बच्चों, 0 आ गई थी, तो तुम्हारा लैम्डा मिन क्या आएगा बच्चों बताओ, Sc क्या है 1214 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, डिवाइड बाय क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस 0 और 13.6 के बीच कितना होगा, 0 माइनस माइनस 13.6 कितना है 13.6, तो करोगे 12 12 40 बाय 13.6 करो,
कोई बात नहीं, रहने दो। ये क्या है 12 × 40 × 13.6 मान रही है। लैम्डा में क्या है 12 × 40 बाई, अभी हमको रेशियो निकालना है, 12 × 40 कट जाए, रेशियो निकाल रहे हैं अभी ऐसे। ये क्या आ गया नैनोमीटर में, ठीक है। अच्छा बच्चों लैम्डा मैक्स कब होगा? जैसे जितने से मिनिमम सोचो, अगर मैंने कहा ना अभी ग्राउंड स्टेट में, ध्यान देना ग्राउंड स्टेट में एमिटेड बाई पूछा था, मैंने कहा था ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा इनफाइनाइट वाले में और फिर लौटेगा। अच्छा मान लो एनर्जी का मैं अब्सॉर्ब किया हूं, तो बच्चों मिनिमम एनर्जी कितना अब्सॉर्ब कर सकता है? हां n इक्वल टू में चला जाए, ऐसा नहीं कि वाली का जी यहां पर जाने के लिए कितनी चाहिए, इसकी एनर्जी क्या होगी -13.6 / n² तो यहाँ पर n पूरे क्या रखते हैं 2, तो कितना 13.6 / 4, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 क्या आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा बच्चों बताओ, बड़ा होगा 10.2 आता है, तो कितना आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना इसमें डेटा वगैरह याद कर लेना, n इक्वल टू 3 पर एनर्जी अभी मैंने लिखवा होगा एनर्जी क्या आती तुम्हारे9 आ जाएगा -1.5 बना जाएगा 3.8 बाय आ जाएगा 3.5 4 आ जाएगा। ठीक है ना भाई बिना एनर्जी का मैं ड्रॉप करेगा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा डेल्टा 1 बच्चों क्या होगा उसके लिए बिन इक्वल टू क्या होगा s c / लैम्डा मैक्स लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 12 40 बाय कितना आ जाएगा बताओ डेल्टा 1 क्या है तुम्हारा n पॉइंट क्या पूछा है तुमसे लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा ठीक है ना। डिवाइड कर दो फाइनेंशियल एनर्जी क्या होगा डिवाइड हो गया
डिवाइड करो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा बाय एक्स बाय लैम्डा में क्या आएगा बताओ, बिना देखे बताओ, बताओ बच्चे जी क्या आएगा, उनका कौन सा आएगा, छोटा वाला है तो मैक्सिमम होगा, अरे बड़ा वाला है ना वो आएगा एक्स बाय मिन कर रही है ज्यादा है ना, इधर भी क्या आएगा, तो बिना देखे करना है आप खुद कर, मतलब आप बोल सकते हो तो दिमाग नहीं लगाना है भाई, तो सोचो अगर इधर ज्यादा ज्यादा भाई जाना है, ज्यादा भाई ज्यादा भी क्या होगा बराबर है ना, अगर इधर रेशियो से बड़ा आ रहा है उधर भी रेशियो क्या आएगा इससे बड़ा आएगा, इधर ज्यादा भाई कम है उधर भी क्या आएगा ज्यादा भाई कम ही आएगा, अरे ठीक है दिमाग नहीं लगाना है सर, ये फ्रैक्शन लिख रहे फिर उसको उल्टा कर रहे हैं फिर काट रहे हैं ये सब नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा उसको तुम्हारा ये चार से हो जाएगा इससे काटा है इतना लंबा कौन सा उसका, अरे ठीक है अरे कर लेना आसपास आ रहा है, जैसे मान लो क्या आ जाएगा ये 610 मान लेना, जैसे थोड़ा ज्यादा तो 1.33 आ रहा है यार 4/3 ले लेता हूं, अरे ठीक है ऐसे लगा लो, आई बात समझ में, एक और क्वेश्चन करो देखो, व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन मैंने बोला भी था ना, मैंने जेड स्क्वायर लिखा भी था मैंने बिटा दिया है उसको, मैंने लिखा था 2.64 ये बताया था मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किए क्या लिखा था मैंने, व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है तुम्हारा अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, क्या बोलते हैं उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलते हैं उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सही कहा अपनी एक्सिस पर घूमती है दिन और रात होते हैं और ऑर्बिट में भी घूमती है, उसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा बताओ मुझे क्या होता है ऑर्बिट में घूमने से क्या होता है, अगर अपनी एक्सिस पर घूमती है उसकी वजह से क्या होता है और जैसे कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि अर्थ की जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल है दूर होता है तो क्या होता है तुम्हारा ठंडी होती है नजदीक आता है तो क्या सोचो दोनों हेमिस्फीयर पर नॉर्दर्न और सदर्न पर तो एक साथ गर्मी पड़ती दूर के साथ दूर है ऐसा होता है क्या नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है ठंडी ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है गर्मी, ऐसा होता क्या है कि प्रेसिसिंग मोशन, प्रेसिसिंग मोशन तो ऐसे ऐसे सिलेक्टिव होता नहीं होता देख रहे हो, जब ऐसे टिल्ट होती है मान लो धरती ऐसे टिल्ट है तो इस वाले हेमिस्फीयर पर क्या कर रही है बच्चों डायरेक्ट रेस पड़ रही है, यहाँ पर क्या है गर्मी, इस वाले हेमिस्फीयर पर क्या पड़ रही है बच्चों दूर है या तिरछी रेस पड़ रही है, यहाँ पर क्या है ऑर्बिट लगभग सर्कुलर होती है, सेंट्रिसिटी क्या होती है प्लूटो सबसे ज्यादा होती है क्या होती है 0.001 से बहुत कम है तक माइनस स्क्वायर ऑर्बिट क्या लगभग जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस जी स्क्वायर वन है ना, इक्वल बहुत कम है प्लूटो के सबसे ज्यादा है तो ई इक्वल टू लगभग क्या आ गया तुम्हारा ए आ गया ना, तो ऑर्बिट क्या हो गया सर्कुलर, तो इसकी वजह से नहीं होता दिनों का क्या होती है रिसेसनल पोर्शन भी करती है इसलिए इसका तुम्हारा सीजन और घूमने से क्या होता है साल होते ना
Thank you.
तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एनएच बाई टू बाई तो टू एच बाई टू पाई तो क्या हो जाएगा एच बाई पाई। एच क्या है तुम्हारा? 6.6 × 10⁴। क्या किया था तुमने? वेलोसिटी और आर क्या था? ठीक है ठीक है। अब और क्या होगा? चलो 3.14 ठीक है कर लेना। इसके बाद क्या होगा तुम्हारा? बच्चे तुमको रेडियस निकालने के आर इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट एन स्क्वायर बाई से प्रोजेक्ट यूल वन यहाँ पर आर नॉट क्या 0.53 इन द स्ट्रॉन्ग ये तरह 0.59 निकला तुम ठीक है। मुझे इस तरह बात ही 0.53 लेने पर सब 0.5 लिख दिया करो ऑप्शन मैच कर जाएगा। एन स्क्वायर बाई से एन क्या तुम्हारा 2 और जेड क्यों क्या बच्चे तुम्हारा और तुम्हारा वी इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट सेट बाई एन। तो वी नॉट क्या होता है बच्चों? 2.2 × 10⁶ और 2 क्या आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में और फिर क्या तुम्हारा? देखो बच्चों अरे एनर्जी तुमको दे रखी थी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मॉड ऑफ 3.4 तो कितना जाएगा बच्चों? 3.4 न्यूटन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसका? डबल अरे 2 × 3.4 तो क्या आ जाएगा? डिफरेंट होगी इसके। देखो द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन। यहां से मुझे याद आ रहा था 40.8
3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, तो ये टोटल एनर्जी थोड़ी है, तो चाहिए ना ये एनर्जी। तो क्या है डिफरेंस है, सो किसका डिफरेंस है? 10.2 आता है ना, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में ट्रांसफर कर दीजिए, सो किससे मल्टीप्लाई करते 40.8 आ जाए। और सो तो z स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, उसे बता है कौन सी डिवाइड कर दिया, मुझे नहीं आता है, ठीक है। अरे सही, अरे मैंने बताया था भाई इस क्वेश्चन में गलतियां कहां करूंगी, क्या बहुत सिंपल कैलकुलेशन है क्या? नहीं, गलती करे इस क्वेश्चन को समझो क्या कह क्या रहा है। देखो ऐसे सॉल्व करोगे, ये क्या होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो हमारा एनर्जी का जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट में, वही तो एस एनर्जी ज्यादा होगी ना बच्चों। अरे बताया था इसी वाले सीवन क्या बच्चों तुम्हारा 40.8, तो E2 क्या लिखोगे बच्चों? -13.6 जेड स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर कितना जाएगा सॉल्व करोगे तो 4, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारा? आंसर आ गया तुम्हारा? नहीं, क्या पूछा है तुमसे? वो क्या है? वो एनाइजेशन एनर्जी, वो क्या है? एनाइजेशन एनर्जी, एनाइजेशन एनर्जी को फॉर्मूला क्या होगा? माइनस नहीं होगा, प्लस में होता है ना, उतना एनर्जी इतना नेगेटिव उतना लेते हो तो क्या होगा? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन ग्राउंड स्टेट में एन क्यों क्या हो जाएगी बराबर, तो क्या होगा तुम्हारी एनर्जी रिक्वायर्ड 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 इनटू 2 का स्क्वायर कितना जो चार्ज में कुछ और चीज को रिक्वायर तो चल रहा है इस मैथ में मेरे मिस भूल गया बीच ठीक है पसंद आई जाती है पसंद ना आती अरे प्यार भी था ना मुझे प्यार नहीं पड़ता अरे तो उसने इससे जब लाइन आ सकती है आज नहीं होगी हो गया क्यों डिवाइडर हुआ था ये पता है
एरिया से ध्यान ठीक है। ये डायवर्जेंस लगभग खत्म हो गया है इस सेकंड में। दैट इज स्पेक्ट्रम राइट। एक बार तो पहले इसकी चर्चा ब्रीफली की थी। इसके पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? रेडियंट का जो पैटर्न होता है उसी का ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में वैसे दो टाइप होते हैं। ये होता है तुम्हारा एमिशन और क्या होता है एब्जॉर्प्शन। अब मैं इसके बारे में लिखवाने का एमिशन कब होता है बच्चों बताता है। इसमें ब्राइट लाइंस आती है तुम्हारी कि अगर मान लो एब्जॉर्ब किया तो वो फिट करेगा तो उस कलर की लाइट क्या आएगी ब्राइट आ जाएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा तुम्हारा उस जगह क्या जाएगा डार्क आ जाएगा। इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ठीक है ना। अगर लाइन से आ रहा है तो दूसरा क्या होता है तुम्हारा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी आता है बताया था मैंने इसके बारे में। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब एमिशन का ही मतलब वो पार्ट है ठीक है। एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो भी कह दो कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा तुम्हारा रेगुलर पैटर्न बनता है। तो ऐसा नहीं कि बीच में डार्क आ गया बीच में तुम्हारा ब्राइट लाइन आ गया। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा व्हाइट लाइट आती है प्रेस पर वो गिरती है उसमें क्या होता है बच्चों थोड़ी कि बीच में गैप होता है तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा बीच में गैप थोड़ी होता है बड़ा क्या होता है वैसे कंटिन्यूअस होता है लाइट उसको क्या बोलते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैं बता दे रहा हूँ मतलब अलग से टाइप नहीं है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तुम्हारा एमिशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल बता रहा हूँ इससे व्हाइट लाइट आ रही है बच्चों और ये क्या तुम्हारा 7 किलोन में डिवाइड हो गई तो क्या बोलते हो कंटिन्यूअस ठीक है ना। 7 किलोन कम से कम लिखवाए मैं कह रहा हूँ थोड़ी इसमें पता होनी चाहिए तुमको ठीक है। क्वेश्चन ढंग से क्वेश्चन को आधा दिया जाता है रिक्वायर्ड रेस्पेक्ट। रिक्वायर्ड रेस्पेक्ट मतलब ऐसे नहीं इसलिए पास होना है अगर मैं पहले मैं रहूँ कैसे रेस्पेक्ट उसको ढंग से पढ़ना है ढंग से उसको समझना है। छोटा सा भी क्वेश्चन है यारी का दोहा सुना है देखा मैं छोटे लगे लगा कर देंगे यार तो यार वाले नहीं थे याद है अभी थे याद है उनके बारे में कहावत नहीं याद नहीं याद है। अरे तुम हिंदी पढ़ते हो हमारे यहाँ जीवन परिचय लिखने को आता था
लाइक दोहा था ना कुछ हो रहा है। हाँ सुना होगा सर, कहा नटत लजिया, सुना है? हरे भवन में करते हैं नैनन की सर, बताओ कहा नटत लजिया, हरे भवन में करते हैं नैनन की सर। कवि जी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? होगा मैंने इसमें, जैसे है क्या बैकग्राउंड क्या है इसमें कि एक मतलब पैसा था उसकी शादी हुई, ठीक है, तो अब जो था जो इसमें नायिका है, नायिका मतलब की हीरोइन, ठीक है, क्या है उसके घर में कई लोग आए हुए, ठीक है ना, अब उसको देखे जा रहा है, तो फिर वो बार बार कह रही है ना देखो मुझे, कहा, और फिर क्या है नटक, ठीक है ना, नटक मतलब नटक ही कर रही है शायद, यही मतलब रीजन मतलब बीत रही है, रीजन मतलब किसी आ रही है। मतलब मिल रही है, खिलत मतलब खुश हो जा रही है, लजिया मतलब हाँ लजा रही है, भरे कौन ने गलत है नैनन ने सब बात, मतलब नैनो ही नैनो ने बात करते इसी, भरे कौन ने मतलब वहां पर काफी, भरे कौन मतलब क्या हुआ, और मतलब क्या होता है, अरे सुन लो मतलब, अरे सुन लो कहने का मतलब क्या है, ये छोटा सा दो अंदर ना इसके पीछे इतना बैकग्राउंड था, मैंने सक्सेस नहीं किया है ये मत ये नेक्स्ट टाइम से तो दिनों में चाहिए, मैंने बताया कि छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी, कहाँ पर था क्या क्या सीखी, तुम कभी के दोस्त क्या सीखी, मजा आना चाहिए दोनों का मतलब ये, अरे खुशी तो होगी रसिक का भी, हरे का कारी हरे का रसिक मतलब कि बस आना चाहिए मतलब मजा आना चाहिए, इसलिए कॉमेडी होती है, कॉमेडी में भी क्या होते हैं कई सारे होते हैं, एक तो होता है कि तुम्हारे देशभक्ति वाली कविता करते हैं, एक बार क्या करते हैं मोरलिस्टिक करते हैं, एक होते आंसू का भी, आंसू का भी मतलब क्या करते हैं उड़ाते हैं मतलब एक टाइप का, हाँ इमोशनल करते हैं, तो उन्हें भी क्या है रसिक कवि, कविता कविता का मतलब क्या होता है सीख देना, अरे है मजा आया नहीं यार, ठीक है नहीं ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं क्या पढ़ाती हूँ, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है तो देखा जाएगा, बार मारे थे कैरी सर सब आदमी बोल रहे थे और मुझे तो नहीं दिखते, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरे बताया था यार लास्ट क्लास में प्रेजेंट क्या बताओ क्या होगा, आदर मॉसिनिटी का तो बताओ पहली जाता है, अरे भाई क्या कर, अरे याद है बक्से में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है इससे बताता है, अगर मान लो ये एमिट कर रहा है, मान लो हाई एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा एमिट करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, अगर मान लो कुछ वेवलेंथ तुमने एनर्जी डाली लोअर एनर्जी स्टेट के थी तो उसने क्या किया अब्सॉर्ब कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पर वो वेवलेंथ क्या हो जाएगी नहीं रहेगी, तो अब क्या जाएगी बच्चों डार्क लाइन आ जाएगी, तो क्या होगा जो ऑप्शन स्पेक्ट्रम होगा, और कौन से स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे इस स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, अरे ठीक है लिख लो इसके बारे में कुछ सर, इफ हाइड्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सील्ड ट्यूब, मैं थ्योरी से लिखवा रहा हूं भूल जाती चीज,
ठीक है, इफ हाइड्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सील्ड ट्यूब एंड हीटेड टू हाई टेंपरेचर एंड हीटेड टू हाई टेंपरेचर इट एमिट्स रेडिएशन, इट एमिट्स रेडिएशन मतलब एमिशन को आने की बात बोलेंगे आप, ठीक है। अगर आप जो ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन निकाल दोगे, अगर मान लो लेंस गिर रही है, ठीक है, तो बस एब्जॉर्ब होगी, जगह है डार्क आ जाएगा, देखो हीट टू हाई टेंपरेचर इट एमिट्स रेडिएशन, इट एमिट्स रेडिएशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्हेन दिस रेडिएशन इज डिस्पर्स्ड बाय प्रिज्म, व्हेन दिस रेडिएशन इज डिस्पर्स्ड बाय प्रिज्म इट अरेंजेस इटसेल्फ इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेवलेंथ, इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ This pattern is called hydrogen spectra. Spectra क्या है? Spectrum का plural. Spectra एक रैपर की है, ना? इसमें इंडिया का रैपर इसलिए लिखा है। ओके, आगे बात समझ में आ गई बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कई कई लाइंस निकलती है, मान लो n इक्वल टू वन से बच्चों n इक्वल टू 2 में चला गया है, साइड हो गया है, तो 2 से 1 में आएगा क्या करेगा बच्चों, एनर्जी इमिट करेगा, तो उसी क्या कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब इसकी बच्चों कहीं ना कहीं सीरीज होती है, जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे मान लो है। अगर बच्चों देखो फाइनली कहां पर आए तुम्हारा n equal to 1 में है, कहां पर आए n equal to 1 में, चाहे 4 से 1 में आ जाए, चाहे 3 से 1 में, चाहे 2 से 1 में, तो क्या होगा इसको बोलते हैं माइनर। अगर बच्चों तुम्हारा फाइनली n equal to 2 में आ जाता है, चाहे 3 से 2 में आ जाए, 2 से 2 में, तो क्या होगा माइनर, ठीक है। 3 में आ जाए तो पार्शियल से क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है
अब मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं सबको रिवर कॉन्स्टेंट टर्म ले लूँगा, ठीक है ना। तो ई तुम्हारा एन इनिशियल कितना होगा तुम्हारा, हाइड्रोजन एटम है जेड के लिए क्या दे रहा हूँ मैं वन, ठीक है, क्या होगा बच्चों माइनस एन टू द पावर फोर एट एफ सेवन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एन इनिशियल का स्क्वायर एन फाइनल क्या होगा तुम्हारा माइनस एन टू द पावर फोर एट एफ सेवन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन फाइनल बच्चों क्या होगा तुम्हारा कम होगा, नंबर तो कम होगा ना, एनर्जी भी कम होगी और ये क्या होगा एनर्जी नंबर भी ज्यादा होगा एनर्जी भी ज्यादा आएगी, ठीक है। अब जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर प्रोटॉन रिलीज होगा, किसकी ज्यादा है बच्चों बताओ, अरे किसकी ज्यादा एनर्जी एन इनिशियल माइनस ई एन फाइनल इक्वल टू क्या होगा बच्चों इसी के बराबर प्रोटॉन रिलीज होगा, ध्यान देना पिछले तो बात मैंने बताया ना, फिर से मैटर करता है कि क्या लिखा है, ये क्या है बच्चों एनर्जी का डिफरेंस है और ये क्या है कितना उसका फोटोन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अरे यही बात समझने का स्पेस हम बता रहे हैं, क्या याद आता पहले क्लास में जो बताया था ठीक है, ग्लाइकोजन ठीक है, एक बच्चा ने कहा कि पापा की क्लास पापा की खांसी आती थी, पापा इसका नाम क्या रहता है, प्रॉब्लम मक्का आ गया है ओ अच्छा बड़ा का नाम है ओ ओरस तो दूसरी बार इतने मैंने इसको दवाई दी ग्लाइकोजन मैं इसका नाम बताया मेरा इसका नाम ग्लाइकोजन देखा है जब इसका डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पर बच्चों देखो ईएन इनिशियल देखो जब यहां पर करोगे तो ये जो माइनस वाला है एनर्जी माइनस में थी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो क्या आएगा एम ई टू द पावर फोर अपॉन एट एफ सेवन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या था एच सी बाई एम और इधर क्या आ जाएगा बच्चों बाई बच्चों ये एन फाइनल वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा एन फाइनल का स्क्वायर माइनस वन बाई एन इनिशियल स्क्वायर, एन फाइनल कम है बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है कम आया तो ये क्या आया बच्चों पॉजिटिव आया, अरे है नहीं है। अब वन बाई नंदा क्या करो बच्चों गाड़ी को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा एम ई टू द पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बच्चों एच यहाँ पर जाएगा एच क्यूब हो जाएगा और क्या आ जाएगा सी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा वन बाई एन फाइनल का स्क्वायर माइनस वन बाई एन इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो बच्चों का ये कॉन्स्टेंट है नहीं है ना कॉन्स्टेंट इसको क्या बोल देते हैं सेंटीमीटर
ये सेकंड का सर मीटर इनवर्स में आती है, ये देखिए आप अगर तुमको क्या करना है, इसके फॉर्मूला बच्चों क्या है, बड़ा चमत्कारी फॉर्मूला है। तो चमत्कारी ये बताओ पार्टी, ये चमत्कारी फॉर्मूला क्यों? अरे तुमको सब कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। आर की वैल्यू पता है, 10 टू द पावर 7 हां, तो n1 n2 को लेकर तो आराम से आ जाए, अरे आराम से लंबा आ जाए n1 से n2 में जा रहा है। उसको जो आसान था बच्चों ना, इससे पहले भी आसानी था, उसको और आसान कर दिया, ठीक है ना, वहां आलसी हो जा रहा है। अरे लिख लिया है, अब देखो ये लिखते रहो, एनर्जी और देखो अगर मुझे एनर्जी स्टेट की एनर्जी चाहिए तो नीचे स्क्वायर आएगा, अरे नहीं आएगा, बट क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो ईएम क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, माइनस आर एच सी बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आर एच सी बच्चों क्या आता था, 13.6, अरे आर एच सी की वैल्यू क्या आती थी तुम्हारी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लिखते थे ना ये 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, पर आर एच सी ही क्या है, 13.6 मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन मिला था, मैं इसलिए से कह रहा हूँ, उसमें एनर्जी क्या लिखी थी, आर एच सी लिखी थी, अरे ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाता कि आर एच सी कहाँ से आ गए, अरे ठीक है इसलिए से कह रहा हूँ, हो गया। अब इसी का ही सीरीज आती है बच्चों, पहले देख लो बेटा तो राइट हाफ या मुझे केस भी स्लाइड कर देते, ये भी आप एंड अदर लाइन वन सीरीज, कुछ नहीं होगा फाइनल सीरीज, जब फाइनली बच्चों क्या आता है, देखो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू फाइनली इलेक्ट्रॉन गेट्स दी ई एक्साइटेड टू एन इक्वल टू 1, फाइनली इलेक्ट्रॉन गेट्स दी एक्साइटेड टू एन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों क्या होगा तुम्हारा, देखो फार्मूला क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आर 1 बाय यहां पर देखो n, यहां पर क्या था बच्चों बता रहा है, n फाइनल है ना, फाइनल कहां पर आ रहा है बच्चों, 1 पर आ रहा है, 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो क्या आया बच्चों, और यहां पर क्या होगा, 1 बाई 1 बाई 1 का स्क्वायर, मतलब वही लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं 2 भी लिखूंगा, दूसरी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, मैं बुक से बॉडी को लिखता हूं, ठीक है, और n की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर, 2 3 4 अरे से ज्यादा आएगी ना, ठीक है, अरे आ रही बात सब, अच्छा इसका लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन निकालो बच्चों, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन पार्ट वाइज जल्दी से निकालो, ये कितना जल्दी आता है, ये सीखा होगा बच्चों, ये सीरीज क्या होगी, लिमिट होगी, अरे सीरीज की रेंज होगी, अरे ठीक है, नहीं
मेगाबाइट्स का आएगा बच्चों, तो रेंज डिफरेंस क्या होगा मिनिमम? रेंज डिफरेंस मिनिमम कब होगा? जब 2 से 1 में आ जाए, तो क्या होगा तुम्हारा लैम्डा मैक्स के लिए 1 / लैम्डा मैक्स क्या लिखोगे? r 1 - 1 / 2 का स्क्वायर, ये लिखोगे। क्या आ जाएगा बच्चों 1 - 1 / 4 क्या आ जाएगा? 3 r / 4। तो लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा? 4 / 3 r। अब r क्यूब 10 टू द पावर 7 ऊपर आ जाएगा, क्या 10 टू द पावर - 7। और बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, 10 टू द पावर - 7 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर - 9। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 400 / 3। तो बच्चों लगभग क्या आ जाएगा? 133 नैनोमीटर। ठीक है, आ गई तुम्हारी लैम्डा मैक्स आ गई। और लैम्डा मिन कब आएगी? जब बच्चों हम क्या करते हैं 1 / लैम्डा मिन क्या होगा? r 1 - 1 / क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी। अल्ट्रावायलेट और क्या होता है फिजिकल? देखो तुम्हारा जान लो यूवी जो होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? विजिबल। और उसके बाद क्या आता तुम्हारा? ये वास्तव में उसका पार्ट है, इसका ईएम वेव्स का साथ होते हैं जो कहते हैं लाइट साथ टाइप की। सबसे ऊपर क्या आता है बच्चों? सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? कॉस्मिक रेस उसका पार्ट नहीं, बड़ी उल्टा लिख दिया। सबसे ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा बच्चों होती है वेवलेंथ रेडियो, फिर क्या होती है माइक्रो, फिर क्या होती है इंफ्रा, फिर क्या आती है बच्चों विजिबल, फिर क्या आती है यूवी, फिर क्या आती है एक्सरे, फिर क्या आता है क्या होता है? तो ये किसमें है बच्चों बताओ? जो तुम्हारा विजिबल है ये मैं बता दे रहा हूँ, इसकी वेवलेंथ क्या होती है ग्रेटर देन बच्चों 0.1 मीटर, और ये क्या होता है बच्चों ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर से लेकर क्या होता है बच्चों तुम्हारा तुम्हारा 0.1 मीटर, ये क्या होता है तुम्हारा, इसकी लिमिट क्या होगी तुम्हारी? लोअर तो 1 मिलीमीटर कर दो, सॉरी अपर 1 मिलीमीटर कर दो, और लोअर आती है बच्चों तुम्हारी 400 नैनोमीटर ऐसा समझो। और यहां पर क्या कर दो बच्चों? एक्स रेस का किसी को याद है?
वन माइक्रोमीटर तो तुम्हारा स्ट्रेस गार्ड है। यहाँ पर बच्चों अपर लिमिट होगी ना वन से ज्यादा, तो ये क्या होगा वन से तुम्हारा क्या होगा पॉइंट वन से क्या है कम होगा और क्या होगा तुम्हारा वन मिलीमीटर से ज्यादा होगा। फिर क्या है तुम्हारा वन से बच्चों क्या होगा तुम्हारा कम होगा और क्या आएगा तुम्हारा 400 आएगा। फिर क्या आएगा तुम्हारा चार सौ से ज्यादा होगा से ज्यादा है लंबा, तो फिर अगला वाला क्या है लंबा वन इसकी अपर लिमिट होगी पॉइंट वन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये अपर लिमिट होगी यहाँ पर में तो इनका सही तो लिखो 400 से लेकर 700 कम होनी चाहिए ना देवी। यहाँ पर मुझे 700 लिखना चाहिए, फिर 700 से क्या आएगा तुम्हारा और ये क्या होगी तुम्हारी 400 अपर लिमिट हो जाएगी। हाँ इसके बाद ठीक है, अरे सुन लो इसको याद कर लो आता है इसमें काम देगा, साइड में लिख लो इसका। ये वेव मैंने छोड़ा है ठीक है, अरे यारी बात समझो उससे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ जाए, बट ये वेव मैंने छोड़ा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ तुम्हारा बोर्ड से पहले मतलब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से पहले। देख लेना मैंने मेरे से क्वेश्चन सही लिखा नहीं लिखा, पॉइंट वन मीटर से बड़ा फिर इसकी क्या जाएगी चाहिए अपर लिमिट हो जाएगी।
लिमिट कम होती जा रही है, बंद लिमिट क्या हो जाएगी अपर लिमिट, सास्ती क्या हो जाएगी अपर लिमिट, 400 अपर लिमिट, 200 अपर लिमिट। हाँ तो ये तो बड़ी मुश्किल है, सही है मैंने इसको दिखा था, मैंने मुझे याद है तुमने तो तैयारी कर रहा था ना, पढ़ाई कर रहा था। अरे ठीक है हाँ नैनोमीटर ये सारे ये नैनोमीटर सासों क्या है तुम्हारा नैनोमीटर ठीक है अरे आगे बात सुनते अभी देखो इसमें लंबा मैक्स और लंबा मीन आ गया बच्चों अरे आ गया अब बताओ किस इसमें इसके हिसाब से देखो कौन से रेंज में आ रहा है तुम्हारा 100 और 133 किसमें आ रहा है बच्चों यू में देखो बच्चों अरे 100 यू में आ रहा है ना तो ये किसमें फॉल कर रहा है तुम्हारा यू की रीजन अब चाहे तुम उसमें देखे ना एक रीजन में कॉल करेगा तो तुमने वो दिखाया था मुझे उसके साथ साथ नहीं हो देखो ठीक है अरे आगे बात सर कहां पर कॉल करेगा बच्चों नीचे लिख लो नीचे सो दिस फॉल्स इन यूवी रीजन या दिस सीरीज लाइज इन अरे ठीक है इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी बच्चों पावर इसको अभी लिखा रहने देते हैं अभी रेंज पता करना होगा उसका भी तो इसलिए लिख रहा हूँ दूसरा क्या बच्चों स्मॉलेस्ट होती है सीरीज लिमिट क्या होती है बच्चों का थोड़ा कम होती है सीरीज लिमिट क्या है स्मॉलेस्ट लिमिट है प्लीज लर्न नोट में नोट में इसके लिए ना सीरीज लिमिट क्या होती है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होगा हाईएस्ट एनर्जी लिमिट चलो उसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाए सीरीज लिमिट क्या है स्मॉलेस्ट क्या होगी अब यहाँ पर बच्चों लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स निकालो और उसके बाद रेंज निकाल रहे हैं कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं लैम्डा मैक्स निकालो पहले जल्दी से निकालो
अरे आ गया भाई, आ गया होगा बेटा। हाँ बेटा भाई, इसके लिए क्या होगा बच्चों? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ max क्या होगा बताओ? r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो बच्चों लैम्डा मैक्स तुम्हारा आ जाएगा 36/5 r। 36/5 क्या बचा है? 0.2 r। कितना जाएगा बच्चों? 700 नैनोमीटर, 720। कितना जाएगा? 720 नैनोमीटर। अरे आ गया। अब लैम्डा मीन निकालो जल्दी से। लैम्डा मीन के लिए क्या होगा बच्चों? एन की वैल्यू कर देंगे, इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा? 1/λ min = r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो बच्चों 4/r आ जाएगा राइट। तो क्या आ जाएगा लगभग? 400 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा? 400 नैनोमीटर। तो 400 400 देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, एग्जैक्टली तुमको एग्जैक्टली डिवाइड है एग्जैक्टली नैनोमीटर पर, ब्रदर। इसीलिए कई कई जगह डिफरेंट साइज पे डिफरेंट देखते हैं। तो इसमें आ जाओ बच्चे 400 700 विजिबल है, ठीक है, लिख लो। सो दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रेंज। देखो बच्चों इसी के हिसाब से क्लासिफाई भी किया गया है, ठीक है। दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रेंज। अरे ठीक है, और फिर देखो इसके बाद क्या आएगा बच्चों बताओ? हाँ पार्शियल। अच्छा पार्शियल किसमें लाई करेगा? बिना कर्म में करेक्ट। क्यों? ऐसा क्यों आएगा? एनर्जी डिफरेंस देखो बच्चों, एन इक्वल टू जो वन है उसकी एनर्जी क्या है? 13.6। फिर एन इक्वल टू क्या है? 3.4। अगर 9 रख दो क्या आएगा? -1.5। इसके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या बच्चों? इसके दोनों के बीच इनके डिस्टेंस का काफी कम है। कितना आ रहा है तुम्हारा लगभग? 1.89 ऐसे कुछ आएगा। और ये क्या है? 10.8। देखो जो पामर सीरीज में है उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या बच्चों? कम है। अरे सबसे कम इसमें क्या है? 10.2। इससे ज्यादा आएगा ना अगला वाला आएगा। अरे आ रही बात समझ में? मैक्सिमम कितना होगा? 3.4 होगा। इसमें मैक्सिमम क्या होगा? 13.6 होगा। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जा रहा है बच्चों? कम होता जा रहा है। वेवलेंथ क्या हो जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। पहले क्या आया? यूवी। फिर क्या आया? विजिबल। अब क्या आएगा? इंफ्रारेड आएगा, ठीक है। तीसरा डालो पार्शियल। पार्शियल का निकाल लेना है, लेना है निकाल लेना। इसमें क्या आएगा? आर सॉरी 1/λ क्या आएगा? आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो इसको निकालो कितना है? 1/24/7 नैनोमीटर में कितना है? अगर 44 को तो जीरो करो और 3 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, करो वन। टू जीरो फाइव सेवन है। लैम्डा मैक्स कितना आ रहा है तुम्हारा? कितना जा रहा है?
माइक्रोमीटर। और लंबा मीटर के लिए क्या करोगे बच्चों, लंबा मीटर क्या होगा, 9/R हो जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा 900 नैनोमीटर। बच्चों देखो इसके पहले क्या बताया था मैंने, कौन सा है इंफ्रारेड। देखो क्या 700 से बड़ी है, 54 मिलीमीटर से छोटी है, इसका मतलब किसमें आ रही है। सो देखो, सो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, बात ठीक है ना, देखो जल्दी। सो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, सो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। घंटा में घंटा कैसे निकाले सभी ने, इसी बात क्या रहे होंगे PRKCKE, तो याद है इसमें बच्चों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबाई लंबा क्या होगा, तुम भी अपना नाम दे सकते हो, 1/6 का स्क्वायर हो गया। नोट में लिखो उसे, फ्रॉम लेवल एन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एडिशन लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एडिशन लाइंस, एडिशन को डिवाइड करेंगे, अरे ठीक है, क्या हो बच्चों बताओ कैसे आया। कह सकती हो बट नॉट एग्जैक्टली। क्या है देखो, n इक्वल टू, देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो n इक्वल टू 3 है, ठीक है, 3 में है, 3 से किसमें आ सकता है बच्चों, मान लो ये 3 है और ये क्या है 2 है और ये क्या है 1, 3 से किसमें आ सकता है 2 में, और 2 से किसमें आ सकता है बच्चों 1, अरे ठीक है ना, क्या 3 से क्या आ सकता है बच्चों, डायरेक्ट 1 में आ सकता है, कितनी आई बच्चों, अरे ठीक है ना, मतलब क्या आया देखो, n से क्या आया, n माइनस 1 में आया, अगर तुम्हारा, और फिर n माइनस 1 में बच्चे कितने पॉसिबल है, मान लो जैसे यहां से यहां n में कितने पॉसिबल थे, उसके नीचे कितने लेवल्स थे 2, अरे n इक्वल टू 3 से कितना आ सकता है, n इक्वल टू 3 से 2 में आ सकता है और n इक्वल टू 3 से 1 में आ सकता है, जितने लेवल नीचे है उतने आ सकता है नहीं आ सकता, कितने लेवल नीचे होगा इनके n माइनस 1, फिर अगर मान लो इसमें आ गया, जैसे मान लो n इक्वल टू 4 होता बच्चों, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 होता, अच्छा 4 से कितने आता, देखो 4 से डायरेक्ट 1 में आता, 4 से डायरेक्ट 2 में आता, 4 से डायरेक्ट 3 में आता, डायरेक्ट आ जाता, और फिर 3 से आया नहीं आया, 3 से कितने आ सकता बच्चों, 3 से 1 में आता, 3 से फिर 2 में आए, 2 से क्या आ सकता, अरे उससे लेवल नीचे ही नहीं आएगा, जैसे n में है, n से कितने आएगा, n माइनस 1 में, उसके बाद नीचे आ सकता है, कितने आएगा n माइनस
फिर क्या आएगा n माइनस टू लेवल में, इतने में आएगा उसके नीचे n माइनस थ्री लेवल होंगे ना, एक और बता दो उसके नीचे कितने होंगे n माइनस थ्री। अरे फिर अंत में क्या आ जाएगा, सेकंड लेवल पर आ जाएगा, सेकंड लेवल से मैक्सिमम कितने पर आ सकता है, तो एक से लेकर n माइनस वन का ये सम। सो बच्चों एक से लेकर n तक का सम क्या लिखा तुमने, n प्लस वन बाई टू, अब n लेकर आओगे तुम n माइनस वन कितना जाएगा, n माइनस वन इंटू n बाई। अब इसको एनसीक्यू कह सकते हो, पर एनसीक्यू से एक्सप्लेन हुआ है क्या, चूज कर लिया तो उसके बाद नहीं, ये स्प्लिट करता नहीं, चूज कर वैसा अभी इतना समझ आ रहा है, चूज कर दो लेवल्स की ट्रांजिशन हो रहा है, बट इसे मान लो कितनी स्पेक्टर लाइंस जो हमारी निकल रही है, फोर से कितनी आ सकती है, हमारी फोर से वन रहता टू में ये आता है स्प्लिट का। अरे ठीक है, वो तो एन में से एनसीटी क्या होगा, तुम्हारा क्या हो जाता है, हाँ एन में से तो उसको चूज करने की नंबर आप देख सकते हैं भाई, हाँ कह सकते हो भाई एक ट्रांजिशन हो रहा है, बट वो आई डोंट थिंक ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है उसको, ठीक है मैंने बोला रिजल्ट उसके बराबर आएगा। अरे ठीक है, अब मैंने वो सर इसमें वो लिखा रहा था मिनिमम डिविडेंड क्या होती है, सीरीज लिमिट होती है, तो पहले लिख लिया है मिनिमम इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, ठीक है। लास्ट है बच्चों आज का, ठीक है इस बार तुमको दो क्वेश्चन करा देता हूँ, इस बार देखो एटॉमिक कोलिजन एंड एक्साइटेशन, मैंने बोला दो रिवीजन है एटॉमिक कोलिजन, इसमें मैंने बिहारी की दो ही बताए, एक और बोले खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम कब होगा बच्चे एनर्जी की, कौन सा कोलिजन, हाँ कब की थी इलास्टिक, सबसे ज्यादा लॉस किसमें होता है बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे कब मिलेगी बताओ, जब कंप्लीटली इलास्टिक होगा, तो पूरे से कब जाएंगे, ठीक है पार्टी पर करना शुरू, अरे आदि पास में देखो व्हेन एटम्स कोलाइड, अब मैं लिख मारा तुम्हें is excited to higher energy state. अब देखो जी मैं थोड़ी सी लिखवा रहा हूँ, थोड़ा समझ में आया, मैंने बताया थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है समझ में, वास्तव में क्या है, ओके देखो
इसके एक लाइन फोटो क्लिक देगा चलता है उसमें भी ऐसे ही किसी को मांगने की बात है इनकम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन इनकम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट ओके प्रोटॉन क्वेश्चन लिखना प्रोटॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी मास ऑफ प्रोटॉन जानते हो अरे पता है ना ठीक है प्रोटॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इट कुल देखो अब न्यूट्रॉन का जो मास है उसको भी एमी मान लेना ठीक है मतलब सेम मास मान लेना इट कोलाइड्स विद द स्टेशनरी न्यूट्रॉन या सर न्यूट्रॉन मतलब उसको ले लेना ब्रेकर में हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन मतलब क्या है हाइड्रोजन एटम राइट ठीक है लाइट्स विद न्यूट्रॉन ठीक है देखो एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन इज अब्सॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम एनर्जी लॉस्ट बाय Now the collision is absorbed by hydrogen atom. Find minimum velocity. Find minimum velocity of hydrogen atom so that electron inside it. So that electron inside it can be stuck. Can get is excited to first excited state. Can reach first excited state. Yeah, is excited to first excited state. Yeah, is equal to second energy level. अरे आई बात समझे? अब अच्छे कैसे करोगे? बताओ उसमें. अरे सोचो कैसे करोगे? दोनों का मास सेम मान लेना. मतलब बात पहले देखो मैंने बताया था आपको शायद पहले वैल्यूज जो रखा करो एकदम क्या रखा करो सबसे सबसे यही रखा करो क्यों हाँ उससे एरर की संभावना कम हो जाती है बीच में पहले सब को परिवार को तुम्हारा स्पेस ज्यादा ले जाओ स्पेस का मतलब स्पेस ज्यादा लेगा और रफी की उनकी स्पेस ज्यादा एक ही बार लेते हैं दूसरे रफी देते वहां पर एक ही बार लेते हैं तो स्पेस क्या होता है कम होता है गलतियों की संभावना भी बार बार इसको लिखोगे बार बार डेटा को मास आपको कम 1.67 टू द पावर माइनस 27 बार बार इसको लिखो तो एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट आता है उसमें तक देखो मैं ही कर देता हूँ इसको मैंने बताया था बच्चों मिनिमम वेलोसिटी अच्छा मिनिमम वेलोसिटी के लिए बच्चों क्या होना चाहिए एनर्जी लॉस तो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए राइट क्योंकि जो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा वही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों ये एमवी बच्चों इसका मास क्या है और वेलोसिटी वी से आ रहा है इसका मास क्या है जब कोलाइड करेगा कंप्लीटली इलास्टिक होगा तो क्या होगा बच्चों तो ये मेक टू वी डैश तो एम इंटू वी इक्वल टू क्या आ जाएगा तो एम इंटू वी डैश तो वी डैश क्या आ जाएगा बच्चों वी बाई टू ये इनिशियल क्या होगा बताओ हाफ एम वी स्क्वायर यही फल क्या होगा बच्चों मास कितना हो गया तो एम इंटू वी बाई टू का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई फोर अरे आ जाएगा लॉस कितना होगा डेल्टा के कितना हुआ के इनिशियल माइनस के फाइनल बच्चों आधा है क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई फोर इतना लॉस हुआ ये कौन अब्सॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन का ध्यान देना कितना अब्सॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन का तो जो एम वी स्क्वायर बाई फोर होगा ये किसके बराबर होगा
डेल्टा ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अरे भाई 10.2 होती है ना, 13.6 माइनस 3.4। अब यहां से क्या जानना है, ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो क्या करोगे इसको, क्या रखोगे बच्चों, 1.67 इंटू द पावर माइनस 27 बाय 4 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10.2। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से एक्सीलरेट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहेगा, क्या था ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो एक कूलम में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दोगे इसमें, अरे याद रहेगा ये बात, ठीक है, इससे क्या जाएगा बच्चों, डिग्री में क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, जल्दी से शाम को, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क में है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा वो कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, मीट और जीवीएस। देखो अगर तुम्हारा एनर्जी अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन होता या थोड़ा सा कम होता, मान लो इक्वल टू 0.9 होता, एनर्जी लॉस कम आता, एनर्जी लॉस कम आता, यहाँ पर वैल्यू कम आती, बट इधर तो 10.2 ही चाहिए, तो बी को बढ़ाना पड़ता, तो बढ़ाना मार्जिन का भी यूज कर रहे हैं, तो फेसर है यहाँ के लिए, हाँ वो पेज होगा ना, इतना है तो ये हरी कॉपी कर रहे हैं, बोलो खत्म हो जाएगा सर, तेरी जान निकल जाएगी सर, क्या सोचती है उसको, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, सर्कल लिखवा लेती और अच्छा दिखता, ओके, अरे देख लिया भाई, सब लोग चले जाएगा ना पढ़ने में, सब तो अभी स्पेस पाएंगे, चिंता नहीं करो, बस पढ़ना छोड़ दो, लो क्वेश्चन, हाइड्रोजन का है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, makes a transition to different state, hydrogen atom is in third excited state, it makes a transition to different state and the photon is either emitted or absorbed, a photon is either emitted or absorbed and it makes a transition to different state, makes a transition to different state and the photon is either emitted or absorbed, behind the determine final quantum state,
एंड फाइनल, ठीक है ना, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय क्वांटम स्टेट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इफ इट इज, एनर्जी ऑफ फोटोन इफ इट इज पहला पार्ट, emitted with shortest possible wavelength. If it is emitted with pehla part ko shortest possible wavelength kaise nikalo keh rahe hai bata, shortest possible wavelength to kaise nikalo maximum energy kaun se state mein bachcho, टाइम वैल्यू क्या है, फोर, यहां पर एनर्जी क्या होती है बच्चों, माइनस 1.5 फोर, और ये क्या होती है माइनस, ये 0.8, ये क्या होती है माइनस 1.5 फोर, माइनस 3.4 और माइनस 13.6। तो बच्चों फोर्थ में आप क्या कह रहा है, मिनिमम तुम्हारा एमिट करेगा, मिनिमम सर क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट केवल कब होगी बच्चों, जब तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम, तो यहां से कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 12.75 लगभग आती है, डेल्टा कितना आ जाएगा तुम्हारा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बच्चों। तो ट्रांजिशन कहां से होगा, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 में, और एनर्जी बच्चों लैम्डा कैसे निकालोगे, तो डेल्टा इक्वल हो गया तुम एससी बाय लैम्डा, तो एससी का लोगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो लैम्डा बच्चों क्या आ जाएगा तुम्हारा इस केस में, परपेंडिकुलर सर करता हूं 1240 97 नंबर 97.25 नैनोमीटर, ठीक है, आ जाएगा समझ में, अगला करो एमिटेड विद लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, बड़ा बार बार क्या होगा इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एन सी में जाएगा, हाँ एन इक्वल टू 4 टू एन इक्वल टू 3, एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 1.51 माइनस 0.85 0.66 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.240 डिवाइड बाय 0.66 कितना आ जाएगा 1879 नंबर, क्या आ जाएगा 1879 नंबर, ठीक है। अगला इसका तीसरा पार्ट देखो, अच्छा एक एक चीज में लिखो ना भूल गया, जहां पर लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिटेड लाइट लिखा था ना, ठीक है ना, वो लोग इस पेज से छोड़ा ही नहीं होगा, छोड़ा ही नहीं होगा, वहां पर लिखो अगर बच्चों एब्जॉर्ब लाइट पूछता है सुन लो, ठीक है ना, ठीक है, फाइनली n इक्वल टू 1 में जा रहा है, एब्जॉर्ब करेगा तो हायर हो जाएगा, जनरली क्या होता है ग्राउंड में रहता है बच्चों, तो कितने में जा सकता है तुम्हारा एब्जॉर्ब लाइट बच्चे n इक्वल टू में 3 में 4 में n माइनस 1 में आ सकता है ना, अरे मान लो फाइनल स्टेट तुम्हारे n इक्वल टू 4 में है, तो 1 से कहां जा सकता है क्या थ्री, कितनी लाइन्स है बच्चों 3 है, एन माइनस 1 लाइन्स है, ठीक है ना, अरे ठीक है, यदि तो नंबर ऑफ एब्जॉर्ब लाइन्स इन सर नंबर ऑफ लाइन्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एन माइनस 1 नंबर ऑफ लाइन्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एन माइनस 1, अगर
माइनस एक एन इक्वल टू वन है, इसके पहले वाला भी आ चुका होगा लाइसिन एब्जॉर्प्शन मीटर क्या होगा एन माइनस वन, यहाँ पर नोट लिखा था तुमने वहां पर लिखना है ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखो एब्जॉर्ब विद लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, तीसरा पार्ट देखो इट एब्जॉर्ब्स लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, इट एब्जॉर्ब्स लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है ना, मैंने बताया था उसमें एमिटेड था या एब्जॉर्ब था। अच्छा बच्चों लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो कहां पर जाएगा, फोर में तो ऑलरेडी है ना वो, फोर्थ किसमें जाएगा, वो फाइव में जाएगा तब जाएगा ना, और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी 0.54, तो 0.85 माइनस 0.54 करो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देना n इक्वल टू फोर्थ में इक्वल टू फाइव, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.31 आ जाएगा ना, तो 1240 by 0.31 क्या जाएगा लगभग 4000 आ जाएगा 4000 नैनोमीटर ठीक है आ गया। याद कर लेना अच्छी बात है, अगर मान ले आ रहे तुम्हें पहली बार से इसलिए तो नहीं तो फॉर्मूला आई लास्ट क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दूंगा उसको सोचना करती है इस गैलेक्सी का क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन nth excited state, it comes down to first excited state, it comes down to first excited state, by emitting 10 different possible wavelength, 10 different possible wavelength, find angular momentum of this orbit, find angular momentum of this orbit, ठीक है ना, अब रिवर्स एनालिसिस करो कुछ कैसे आएगा बच्चों, जब n आएगा n आएगा n कैसे आएगा n into n minus 1 by 2 equal to क्या बच्चों n, अगर n पर 6 हो 6 into 5 क्या बच्चों, अच्छा 5 हो मान लो 5 into 4 क्या होगा 20, 20 by 2 क्या होगा 10, n बोलो क्या नहीं आता n क्या होगा 5 is 5 ताकि मैंने सारे टाइप क्वेश्चन को बता दिए हैं, ये क्वेश्चन मैं इनको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में उसके आधार से बाकी एक सब क्वेश्चन लगा ना, इससे क्वेश्चन अच्छे हो तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज्यादा कुछ वेक्टर वगैरह कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस क्या होगा कि अगर तुम्हारा एसी के बाद चैप्टर काफी आसान हो जाएगा, तो कुछ है नहीं चैप्टर वगैरह, क्वेश्चन बड़ा है क्वेश्चन देखने की दोबारा नहीं,
मिनट तुम देख लो उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है डिस्कशन ना बताया हमने देख लो मैंने क्या कहा है बैलेंस कर दो बस वो नहीं अब लोग लोग इसे एक बार देख लो क्या देख लो कुछ मुश्किल नहीं है उससे ये चैप्टर काम कर रहा है अरे क्या कर रहे हो कोई ऐसा क्वेश्चन देखो इसमें एक्सरसाइज वगैरह है वो नहीं करना है एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन नहीं करना एक्सरसाइज या तुम्हारा इसमें नित्य रिस भी आएगा वो नहीं करना बाद में पढ़ाऊंगा छोटे छोटे टॉपिक है देखो तीन है क्वेश्चंस और तुम्हारे टू है मतलब काफी सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस किए अरे ठीक है क्वेश्चंस कम है थ्री में है और टू में ऐसा करना तुम उसका कर लेना दिशा क्वेश्चन कर लेना और पहला बहुत कम क्वेश्चन है ठीक है ना इससे तुम्हारा कंसेंट्रेशन होगा नहीं जो हो जाए वही कर लेना नहीं हो रहे तो ठीक है ना कर लेना इसमें क्वेश्चन बहुत कम है सब कुछ मिस है ना इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं